हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का एनवायरनमेंट मास्टर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम लोग क्लाइमेट चेंज के बारे में पढ़ रहे हैं। क्लाइमेट चेंज क्या है, उसके सोर्सेज क्या हैं, किन फैक्टर्स के ऊपर क्लाइमेट चेंज डिपेंड करता है, क्लाइमेट चेंज की कौन कौन सी थ्योरीज हैं, ठीक है, व्हाट आर द डिफरेंट थ्योरीज ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड व्हाट आर द डिफरेंट कन्वेंशंस, प्रोटोकॉल्स एंड रिसेंट इवेंट्स ऑफ अ क्लाइमेट चेंज, ऑल दीज विल बी डिस्कस्ड बाई मी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। कल की प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि क्लाइमेट चेंज क्या है और उसकी कुछ थ्योरीज ऑफ क्लाइमेट चेंज, लाइक कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, कार्बन डाइऑक्साइड थ्योरी एंड मिलिनकोविच प्रिंसिपल ऑफ अर्थ रोटेशंस की जो थ्योरी है वो पढ़ा था। उससे आगे हम लोगों ने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के कंसेप्ट, किस तरीके से कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के क्या कंसेप्ट हैं, किस तरीके से कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी क्लाइमेट चेंज के ऊपर इम्पैक्ट डालती है, हाउ द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी इज रिलेटेड विद द क्लाइमेट चेंज। सो द नेक्स्ट थ्योरी ऑफ क्लाइमेट चेंज इज द प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। सो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को समझने के लिए सबसे पहले हम लोगों को यह समझना होगा कि वॉट इज प्लेट, प्लेट क्या है, ठीक है। अर्थ का केमिकल एंड फिजिकल कंपोजिशन किस तरीके से वेरी करता है, ठीक है, तो उसको समझने के लिए हमने कुछ ड्राइंग्स यहाँ पर बना रखी है। सो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को समझने के लिए सबसे पहले हम लोगों को यह समझना है कि जो अर्थ है, अर्थ के जो डिविजन्स हैं लाइक द क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। सो क्रस्ट जो है उसका केमिकल कंपोजिशन इज नियरली सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम रहता है, ठीक है। देन हमारा मेंटल में सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम एंड कोर निकेल एंड फेरस। अब होता क्या है कि जो क्रस्ट होता है, क्रस्ट इज ऑलमोस्ट नियरली 0 to 30 किलोमीटर के रेंज में रहता है और क्रस्ट की जो डेप्थ है वो कॉन्टिनेंट्स पे ज्यादा है, ठीक है, एंड हमारा ओशियंस में कम है। फिर क्या हुआ कि क्रस्ट के बाद में हमारा यहाँ से 30 किलोमीटर से लेकर के 2800 किलोमीटर तक हमारा मेंटल रहता है। सो मेंटल इज ऑल्सो डिवाइडेड इन सम पार्ट्स लाइक द 30 to 200 किलोमीटर, 200 to 360 किलोमीटर एंड 360 किलोमीटर टू 2800 किलोमीटर। देन हम लोग इसमें देखते हैं कि 0 to 200 किलोमीटर तक का जो जोन है, यानी कि क्रस्ट प्लस अपर मेंटल, ठीक है, दिस जोन इज कॉल्ड द लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर इज द अपर पोर्शन ऑफ मेंटल प्लस क्रस्ट। दिस लिथोस्फेयर इज कॉल्ड द प्लेट। प्लेट इज अर्थ क्रस्ट प्लस अपर मेंटल। अब होता क्या है कि इस लिथोस्फेयर के नीचे, बिलो द लिथोस्फेयर देयर इज अ जोन दैट इज कॉल्ड द एस्थेनोस्फेयर। एस्थेनोस्फेयर इज में जो मटेरियल रहता है दैट इज इन अ मोल्टन फॉर्म लाइक द पेस्ट। बट होता क्या है कि एस्थेनोस्फेयर ऑफ द मटेरियल विच इज इन अ मोल्टन फॉर्म एंड लाइक अ पेस्ट, बट इट हैज द डेंसिटी हायर देन द लिथोस्फेयर। दैट इज व्हाई लिथोस्फेयर इज फ्लोटिंग ऑन अ सरफेस ऑफ अ एस्थेनोस्फेयर, बिकॉज इफ द डेंसिटी ऑफ लिथोस्फेयर विल बी मोर एंड एस्थेनोस्फेयर विल बी लेस, देन द लिथोस्फेयर पोर्शन विल सबसाइड अंडर द एस्थेनोस्फेयर। Now, after the 2800 kilometers to 6371 kilometer, which is the radius of Earth, okay, so this zone is called the core. Here, the temperature of Earth is very, very high. Then the core temperature is very, very high. Then, हम लोग देखते हैं कि जो ये plates होता है, ठीक है, these are plates, like the, ये जो plates हैं, ये इसके ऊपर continuously motions में रहते हैं हमेशा, always the plate is rotating or the moving towards to and fro or the there is also the some motions like the transform boundary motions, ठीक है, तो इस तरीके से एक दूसरे से दूर या पास जाती रहती है, like there are the this is called the plate. So the plate have the two motions, like this is called the divergent motion. One more type of motion is there that is called the transform boundary motion. Like
this kind of motion takes place between the two plates. This is called the transform boundary motion. This motion is called the transform boundary motions. The characteristics of different type of motions are different. Like, and the landforms forms with these motions are also different. Like, when the convergent motions take place, then the mountains will form. When the divergent motions take place inside the sea, then there will be a ridge form or the valley forms are there. If the transform boundary motions will be there, then volcanic eruptions, earthquakes will take place. तो इसको हम लोग समझते हैं आगे किस तरीके से ये हमारा डाइवर्जेंट मोशन कन्वर्जेंट मोशन होते हैं वो किस तरीके से डिफरेंट जोन्स को बनाते हैं एंड हाउ ऑल दीज थिंग्स वेरीज. ठीक है, उसको हम लोग समझने के लिए आगे चलते हैं. तो हम लोग प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में आगे बढ़ते हैं. सो व्हाट आर द डिफरेंट प्लेट्स, कौन कौन सी डिफरेंट प्लेट्स हैं? सो द प्लेट्स आर इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, जिसमें इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जोन आता है. देन है यूरेशियन प्लेट, यूरोप और एशिया का जो जोन है दैट इज इन यूरेशियन प्लेट. देन अफ्रीका कॉन्टिनेंट इज कॉल्ड इन अफ्रीकन प्लेट. देन नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका कमाइंडली ऑन अमेरिकन प्लेट. देन ऑल द ओशंस आर इन अ पैसिफिक प्लेट. देन अटलांटिक प्लेट. ठीक है, तो हमारा दीज आर डिफरेंट प्लेट्स. अब इस प्लेट्स को समझने के लिए द स्टडी ऑफ जो प्लेट है, प्लेट्स की स्टडी के लिए इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि सेंटर लैंडमास की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं प्लेट्स की, बट प्लेट्स की जो बाउंड्रीज हैं वो बाउंड्री किस तरीके से बिहेव करती हैं, वेदर दे आर कन्वर्जिंग और दे आर डाइवर्जिंग. उनमें कन्वर्जेंट मोशन हो रहा है, डाइवर्जेंट मोशन हो रहा है और ट्रांसफॉर्म मोशन हो रहा है. उसी के बेसिस पर हमारे डिफरेंट लैंडफॉर्म्स बनेंगे. सो वो लैंडफॉर्म्स किस तरीके से बनेंगे उसको हम लोग देखते हैं एक बार. लाइक अगर हमारा कॉन्टिनेंट्स एक दूसरे के कॉन्टिनेंटल प्लेट है और एक ओशियोनिक प्लेट है. लाइक कि अगर हम लोग देखते हैं, अगर हमारा अमेरिकन प्लेट और पैसिफिक प्लेट्स की बात करते हैं, तो जब अमेरिकन प्लेट पैसिफिक प्लेट से टकराई देन हमारा रॉकीज का फॉर्मेशन हुआ. बट अगर हमारा अमेरिकन प्लेट जो साउथ अमेरिकन प्लेट्स है, ठीक है, एक्चुअली होता क्या है कि देयर आर नॉट ओनली द सिक्स प्लेट्स, दीज आर सिक्स मेजर प्लेट्स एंड 20 माइनर प्लेट इन अवर अर्थ. सो जब हमारा अमेरिकन प्लेट पैसिफिक प्लेट से टकराया तो नॉर्थ अमेरिकन रीजन में हमारे रॉकीज का फॉर्मेशन हुआ, और जब साउथ अमेरिकन फेस में हमारा जब नजका प्लेट से हमारा नॉर्थ साउथ अमेरिकन प्लेट से टकराया तो हमारा एंडीज का फॉर्मेशन हुआ. ऐसे ही अगर हमारा इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जब हमारी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जब यूरेशियन प्लेट से टकराई तो हमारा हिमालय माउंटेन्स का फॉर्मेशन हुआ. ठीक है, और इसको हम लोग देखते हैं कि जब हम कॉन्टिनेंटल प्लेट्स और ओशियोनिक प्लेट्स के बीच दूसरे से टकरा रही हैं तो होता क्या है, जो हमारा ओशियोनिक प्लेट है ये हमारी बनी होती है बेसाल्ट की, और ये बनी होती है हमारी ग्रेनाइट की. अब होता क्या है कि जो प्लेट्स की हार्डनेस या स्ट्रेंथ हाई होती है वो दूसरी जो लोअर स्ट्रेंथ वाली प्लेट है उसको दबाती हुई अंदर की तरफ पुश करती हुई नीचे की तरफ जाती है. तो अगर हमारा कन्वर्जेंट मोशन हो रहा है, जैसे हमारी ओशियोनिक प्लेट कॉन्टिनेंटल प्लेट को ऊपर की तरफ मूव करती हुई अंदर मूव कर जाती है यहां पे, जैसे जैसे हमारी ओशियोनिक प्लेट अंडर द कॉन्टिनेंटल प्लेट जाती जाएगी वो टुवर्ड्स द कोर चलेगी. एज आई हैव टोल्ड अर्लियर कि द टेम्परेचर ऑफ कोर इज वेरी वेरी हाई, द अर्थ कोर टेम्परेचर इज वेरी वेरी हाई. सो जब हमारा ओशियोनिक प्लेट कोर ऑफ अर्थ की तरफ चलेगी तो वहां पे टेम्परेचर टी जो है बढ़ेगा. जब टेम्परेचर टी बढ़ेगा तो दिस जोन में हमारा जो इस यहां का जो मास है वो मास मोल्टन फॉर्म में हो जाएगा. पिघल जाएगा, मोल्टन फॉर्म में आ जाएगा और यहां पे प्रेशर भी हाई हो जाएगा. जब हमारा
प्रेशर बिल्डअप होगा, तो प्रेशर बिल्डअप होने एज द प्रेशर बिल्डअप इन द जोन, देन इट रिक्वायर्स द डिफरेंट पाथ्स टू रिलीज, इट रिक्वायर्स द डिफरेंट पाथ टू रिलीज द प्रेशर। इस प्रेशर को रिलीज करने के इसको डिफरेंट पाथ देगा। सो अगर हमारा ये कॉन्टिनेंटल प्लेट्स के थ्रू बाहर निकलेगा, देन यहां पे हमारा वोल्केनिक इरप्शन होगा। अगर यही हमारा, इफ दिस विल गो आउट द ओशियोनिक प्लेट से निकलता है, देन यहां पे आइसलैंड का फॉर्मेशन होगा। या अगर यहां पे बना, देन हाइड्रोथर्मल वेंट्स वगैरह यहां पे बनेंगे। और इफ दिस गोज टू अप, देन यहां पर हमारे माउंटेन्स का फॉर्मेशन होगा या वलय पर्वत का फॉर्मेशन होगा। इसी के अगेंस्ट अगर हम इस जोन में आते हैं, तो अगर ये एक दूसरे से कन्वर्ज हो रहा है, तो इस जगह पर मैग्मा होगा। मैग्मा इसमें ऊपर की तरफ प्रेशर रिलीज करता हुआ बाहर की तरफ आएगा और इस जोन को सॉलिडिफाई कर देगा। या इनसाइड द ओशन, अगर जो ये जोन है, अगर ये ओशन के अंदर, अगर यहां पे वाटर है, वाटर आ गया और यहां पे ओशन कुछ जोन बना लिया, तो इस जोन में हमारा रिफॉर्मेशन हो जाएगा। फिर फर्दर अगर ये एक दूसरे से मूव करेगा बाहर की तरफ जाएगा, देन या देन दिस जोन ये अपने आप होगा, फिर वापस से जब मैग्मा अंदर से बाहर की तरफ आएगा, देन वापस इसको ब्रेक डाउन करता हुआ बाहर की तरफ मूव कर जाएगा। और यहां पर कई बार में हाइट ट्रेंचेस बनते हैं, ठीक है, ओके। बट हाउ दिस ऑल, ये किस तरीके से हमारा क्लाइमेट चेंज के ऊपर इंपैक्ट डालता है, हाउ इट इज ऑल रिलेटेड विद द क्लाइमेट चेंज, अवर मेन एम इज दैट। सो देयर इज अ वॉल्केनिक इरप्शन वन थिंग, माउंटेन्स, रिज फॉर्मेशन, और भी डिफरेंट पोर्शंस रहते हैं, लाइक हमारा जब ट्रांसफॉर्म बाउंड्री मोशन हो रहा है तो वहां पे अर्थक्वेक्स वगैरह जब आता है, तो वो किस तरीके से क्लाइमेट चेंज के ऊपर इंपैक्ट डाल रहा है। अब क्या है कि जैसे अगर हमारा किसी जोन में, आगे समझते हैं कि जैसे मान लीजिए हमारा कॉन्टिनेंटल प्लेट है, अभी तो हम लोगों ने देखा कि ओशियोनिक प्लेट कॉन्टिनेंटल प्लेट से किस तरीके से ब्रेक डाउन कर रही है, किस तरीके से टकरा रही है, दूर जा रही है। बट कुछ कैसे, जैसे हमारा कॉन्टिनेंटल प्लेट कॉन्टिनेंटल प्लेट से, या कॉन्टिनेंटल प्लेट आपस में ब्रेक डाउन होकर के ओशियोनिक प्लेट से, लाइक कि हमारा जब अमेरिकन प्लेट में नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका जब एक दूसरे से दूर हुए, तो अलास्का के आसपास का जो एरिया है वहां पे ट्रांसफॉर्म बाउंड्री मोशन हो रहा है, ठीक है, उसी वजह से वहां पे बहुत ज्यादा हमारे अर्थक्वेक के इवेंट्स और बहुत हायर अर्थक्वेक के इवेंट्स आते हैं। या जब हमारा इफ द यूरेशियन प्लेट्स है, जहां पे जापान वगैरह है, जापान जब हमारा पैसिफिक प्लेट से बार बार टकराने की वजह से, जापान का जो ये आउटर साइड एरिया है, उस एरिया में बहुत हायर अमाउंट ऑफ, बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली हमारे भूकंप या फिर अर्थक्वेक आते हैं। तो होता क्या है कि जब हमारा मान लिया कॉन्टिनेंटल प्लेट ही आपस में ब्रेक डाउन हो गई इस तरीके से, और यहां पर अगर हमारा वाटर फिल हुआ आकर के, ठीक है, तो क्या होगा कि करेक्टरिस्टिक्स चेंज हो जाएगी। लाइक कॉन्टिनेंट है, इफ द सेंटर ऑफ कॉन्टिनेंट में अगर वहां पे वाटर बॉडी नहीं है, यहाँ पे वहां पे सलाइन वाटर नहीं है, तो उस जोन की करेक्टरिस्टिक्स अलग है। लेकिन अगर वहां पे अचानक से सी वगैरह आ गया, तो सी आने की वजह से एक लॉन्ग टर्म में वहां पे ह्यूमिडिटी बहुत बढ़ जाएगी, वाटर स्ट्रेस कंडीशन आ जाएगी, बहुत सारी डिफरेंट वहां पे फॉर्मेशन चेंज हो जाएगा, सॉइल फॉर्मेशन चेंज हो जाएगा, ऑल दिस विल बी चेंज। तो दिस इज कॉल्ड द क्लाइमेट चेंज। एंड सेकेंड थिंग इज दैट द माउंटेन्स, आइसलैंड वगैरह फॉर्मेशन की बात करते हैं। सो पहले हम लोग देखते हैं कि माउंटेन फॉर्मेशन और आइसलैंड फॉर्मेशन या वोल्केनो फॉर्मेशन क्लाइमेट चेंज के ऊपर किस तरीके से इंपैक्ट डालते हैं। सो अगर हम लोग आगे देखते हैं कि डिफरेंट लैंडफॉर्म्स जो फॉर्म हुए थे हमारे डिफरेंट मोशंस ऑफ प्लेट्स की वजह से, तो उसमें हम लोग देखते हैं कि माउंटेन फॉर्मेशन का क्लाइमेट चेंज के ऊपर इंपैक्ट किस तरीके से
पढ़ता है हाउ द माउंटेन फॉर्मेशन इज रिलेटेड विद द क्लाइमेट चेंज। तो देखते हैं कि इसके समझने के लिए पहले हम लोग देखते हैं ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट देता है, वेट या मॉइस्ट एडियाबेटिक लैप्स रेट होता है। ये क्या होता है कि जब अर्थ सरफेस से हम लोग एटमोस्फेयर में ऊपर की तरफ मूव करते हैं या गोज टुवर्ड्स द अप, देन एक रेट होता है जिस रेट से टेम्परेचर ऑफ एटमोस्फेयर कूल होता है या टेम्परेचर ऑफ एटमोस्फेयर डाउन होता है। वो रेट्स दो होते हैं, एक ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट और एक मॉइस्ट एडियाबेटिक लैप्स रेट। सो ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट इज द 9.8 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर एंड अ वेट या मॉइस्ट एडियाबेटिक लैप्स रेट इज 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। इस रेट से कूल डाउन होगा। तो अगर माउंट एवरेस्ट की हम लोग बात करते हैं, इफ यू टॉक अबाउट द एग्जांपल ऑफ माउंट एवरेस्ट, तो माउंट एवरेस्ट हैज फॉर्मड बाय व्हेन द यूरेशियन प्लेट is a Eurasian plate is a convergent motion with the Indo-Australian plate, then the formation of Himalaya and the Mount Everest is there. So if the height of a Mount Everest is 8850 meters, then if at the bottom of Mount Everest there is a temperature of T, and if at the top of the tip of the Mount Everest that is the height of 8850, and if we relate with the wet adiabatic lapse rate, okay, then the temperature at the top of the mountain will be T minus 57.525 degree Celsius. So hoga kya? Or at the bottom of the Mount Everest itna temperature T hai, would say 57.525 degree Celsius temperature at the top of the Mount Everest pe kam hoga. So this variation is very much high. This is not accommodated by the vegetations and life forms on the surface of Earth. सरफेस ऑफ अर्थ में अगर हमारे यहाँ पे बॉटम ऑफ द अगर माउंटेन है, तो बॉटम ऑफ माउंटेन है किसी जगह पर, ठीक है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक अलग है, वो एक टेम्परेचर के ऊपर एक्लिमेटाइज है, उस एक्लिमेटाइजेशन चेंज हो जाएगा अगर इतना टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। एक्चुअली में होता क्या है कि जब अर्थ सर्फेस से हम लोग जब अगर टेम्परेचर हमारा डिक्रीज होता है तो वहां पे हमारा इवेपोरेशन भी डिक्रीज होगा, ठीक है, अगर हमारा टेम्परेचर कम होता जाएगा तो वहां पे प्रेशर जोन जो है वो हाई प्रेशर जोन बन जाएगा। हाई प्रेशर जोन बनने की वजह से उस जगह से एयर मास मूव करेगा टुवर्ड्स द लो प्रेशर जोन, ठीक है, तो लो प्रेशर जोन की तरफ मूव करेगा तो वहां पे इवेपोरेशन कम होगा। इवेपोरेशन कम होने की वजह से वहां पे प्रेसिपिटेशन कंडेंसेशन कम होगा, कंडेंसेशन पे क्लाउड फॉर्मेशन कम होगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी विल नॉट रीच टुवर्ड्स द 100%, रिलेटिव ह्यूमिडिटी विल नॉट रीच द टुवर्ड्स द 100%, देन एट दैट जोन देयर विल नॉट बी द कंडेंसेशन एट द अर्ली लोकेशन, क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होगा, देन रेनफॉल इंटेंसिटी कम होगी, रेनफॉल इंटेंसिटी कम होने की वजह से हमारा वेजिटेशन कम होगा, वेजिटेशन कम होने की वजह से स्पेसीज रिचनेस कम होगी, स्पेसीज रिचनेस कम होने की वजह से स्पेसीज अवेंडनेस कम होगी, और हमारा अल्पाइन टुंड्रा या टुंड्रा रीजन की तरीके से टेम्परेचर वेजिटेशन या फिर वहां पर वो लाइफ फॉर्म्स रहेगा। सो यही हमारा क्लाइमेट चेंज है कि अगर टेम्परेचर किसी जगह पे हाई था उससे टेम्परेचर काफी कम हुआ, या किसी जगह पर टेम्परेचर काफी ज्यादा था उस जगह पे टेम्परेचर काफी कम हुआ, या किसी जगह पे टेम्परेचर हमारा बहुत ज्यादा कम था और टेम्परेचर बहुत हाई हो गया इन अ लॉन्ग टाइम पीरियड, दिस इज द एग्जांपल ऑफ अ क्लाइमेट चेंज। वोल्केनिक इरप्शंस किस तरीके से हमारा क्लाइमेट चेंज के ऊपर इंपैक्ट डालता है, लेट्स टॉक अबाउट, दिस इज द वोल्केनो, ये वोल्केनो है, यहां पर हमारा मोल्टेन मटेरियल मैग्मा भरा हुआ है, देयर इज द मोल्टेन मटेरियल मैग्मा। जैसे जैसे हमारा ओशियोनिक प्लेट कॉन्टिनेंटल प्लेट की तरफ या टू कॉन्टिनेंटल प्लेट से एक दूसरे की तरफ कन्वर्ट होगी और नीचे की तरफ बेंडिंग ऑफ द ओशियोनिक प्लेट होगा, ठीक है, तो वहां पर टेम्परेचर हाई होता जाएगा, टेम्परेचर हाई होने का जब प्रेशर हाई होगा तो हमारा जो प्लेट बेंड हुई है उसको कंज्यूम होने लगेगी, कंज्यूम होने के बाद में वो मैग्मा की फॉर्म में रह जाएगा उस जोन में, स्टेनोस्फीयर के उस जोन में। अगर यहाँ पे प्रेशर बहुत ज्यादा हाई हो गया, प्रेशर जब बहुत ज्यादा हाई होगा टेम्परेचर तो हाई होगा ही, ठीक है, तो यहां से ये ब्रेक डाउन करके
वोल्केनोस के फॉर्म में बाहर निकलेगा. दिस इज कॉल्ड द वोल्केनिक इरप्शन. वोल्केनिक इरप्शन की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स रहते हैं, लाइक कि इस जोन में वेजिटेशन खत्म हो जाएंगे, या जिस जोन में ये इरप्टेड वोल्केनिक ऐश आएगा, ठीक है, तो इस जोन में हमारा वोल्केनिक इरप्शन जहां पे हुआ, तो इस जोन में, इसके काफी दूर जोन पे ये वोल्केनो या जो लावा बाहर आया है, सॉरी जो लावा बाहर आया है यहां से, ये लावा यहां पर आकर के सॉलिडिफाई होगा और बनाएगा इग्नियस रॉक्स. या अग्नेय चट्टान इसको बोलते हैं, इग्नियस रॉक्स बनाएगा यहां पर, ठीक है. तो जिस जोन में हॉट लावा है, उस जोन में अगर हमारा कोई वेजिटेशन है, ट्री कवर है, वेजिटेशन कवर है, स्पेसीज है, स्पेसीज जैसे, वो सब खत्म हो जाएगा. दूसरा चीज, दिस इज नॉट ओनली द प्रॉब्लम. प्रॉब्लम क्या है कि जहां पर यहां पर ऑक्साइड ऑफ सल्फर निकलता है, डस्ट पार्टिकल्स निकलता है, सूट वगैरह निकलता है, ये हमारा एटमोस्फेयर में ऊपर की तरफ मूव करेगा. जब ये ऊपर एटमोस्फेयर में जाएगा, तो जो सन की तरफ से आने वाली रेडियंस है, जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है या रेस है, उसको ये वापस से ट्रांसमिट नहीं होने देगा और वहीं से रिफ्लेक्ट कर देगा. अगर ये इसको रिफ्लेक्ट कर देगा, तो जो इरेडियंस, जो रेडिएशन हमारा ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ आनी चाहिए थी, विच इज द इम्पॉर्टेंट फॉर ह्यूमन बीइंग और द लिविंग पॉपुलेशन और सम अदर थिंग्स लाइक डेली जीवन के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, वो कम हो जाएगा. वो लाइट की रेडिएशन कम आएगी सरफेस पर, तो होगा क्या कि उस जोन में और उसके किसी दूसरे नियर अबाउट जोन में ये कूलिंग इफेक्ट देगा. एज आई हैव टोल्ड यू प्रीवियसली कि द टेम्परेचर, अर्थ का टेम्परेचर का हाई होना इज नॉट द ओनली द क्लाइमेट चेंज. टेम्परेचर का हाई होना हमारा ग्लोबल वार्मिंग है. ग्लोबल वार्मिंग इज अ वन सिग्निफिकेंस, वन प्रॉब्लम ऑफ अ क्लाइमेट चेंज. बट देर वेन देर विल बी अ कूलिंग इफेक्ट और द स्नोफॉल, परमाफ्रॉस्ट फॉर्मेशन अगर होगा, तो दिस इज द अनदर फॉर्म ऑफ अ क्लाइमेट चेंज. तो जब ये सल्फर ऑक्साइड डस्ट पार्टिकल, सूट पार्टिकल हमारे अपर एटमोस्फियर नियरली द ट्रोपोस्फियर, अपर ट्रोपोस्फियर या अगर स्ट्रेटोस्फियर के उस जोन में आ रहा है, तो सन से आने वाली जो रेडिएशन है उसको रिफ्लेक्ट कर देगा और ये हमारे कूलिंग इफेक्ट देगा. तो हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, लाइक द माउंट तंबोरा का एग्जांपल था एंड माउंट केलकोटा का एग्जांपल था, कि जिसकी वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जून के मंथ्स में हमारा स्नोफॉल हुआ था, ठीक है. तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ अ क्लाइमेट चेंज. सो हम लोगों ने आज प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में समझा कि व्हाट आर द डिफरेंट प्लेट्स, वो प्लेट्स एक दूसरे के किस तरीके से कन्वर्ज होती है, किस तरीके से डाइवर्ज होती है, ट्रांसफॉर्म मोशन उन प्लेट्स के बीच में कैसे होता है, और वो मोशन किस तरीके से क्लाइमेट चेंज के ऊपर इंपैक्ट डालते हैं. व्हाट आर द डिफरेंट लैंड फॉर्म्स हैव बीन फॉर्मड विद द क्लाइमेट, व्हाट आर द डिफरेंट लैंड फॉर्म्स फॉर्मेशन आर देयर ड्यू टू द कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट मोशन ऑफ डिफरेंट प्लेट्स, ठीक है, और वो जो लैंडफॉर्म्स हैं, वो लैंडफॉर्म्स किस तरीके से क्लाइमेट चेंज को एक्सेलरेट करते हैं, लाइक द वोल्केनिक इरप्शंस एंड माउंटेन बिल्डिंग और इट्स फॉर्मेशन. सो हम लोगों ने इसको समझा, थैंक यू वेरी मच. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंकोविच प्रिंसिपल ऑफ अर्थ रोटेशंस पढ़ेंगे और उसके सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड थ्योरी, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट, डिफरेंट कन्वेंशंस, प्रोटोकॉल, वो सब समझेंगे आगे के लिए. थैंक यू वेरी मच. अगर आप लोगों को हमारा यह लेक्चर पसंद आया हो, ठीक है, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और अगर चैनल बन रहे हैं तो बेल बटन्स को दबाएं, सो दैट मेरी आने वाली न्यू वीडियोज जो हैं उसकी अपडेट्स आपको मिलते रहें. थैंक यू वेरी मच.